इतना चिंतनशील अभी तक 4,000 किताबें लेकर चला गया है। आपको डाउट हो रहा होगा 4,000 कैसे लिख दी भाई, है ना? तो उसका उत्तर वही है कि दो दो तीन तीन पेज की किताबें हैं, और बहुत मोटी वाली किताबें नहीं है, पतली पतली किताबें उनको बोलते किताबें, इन सबको अलग अलग कर देंगे तो 4,000 पेज हो जाएंगे, 4,000 किताबें। रिसर्च करूँ, जैसे एक किताब का नाम है पशुओं की गति के नियम, ऐसा रिसर्च है, सुबह सुबह उठा सामने कुत्ता जा रहा है वही कागज पेन लेके बैठ गया, उसकी पत्नी चाय लेके रुक रुक चाय, उसे बनन दो नियम, पहले ये पैर उठाया इतना उठाया, फिर ये पैर उठाया इतना उठाया, ऐसे ऐसे। फिर उसके बेटे ने कहा पापा चाय तो पी लो, बोला सर दो चाय, फिर बेटा गया तो रुक रुक उसी पे नियम, बच्चे की गति के नियम। इस तरह का आदमी था, ऐसा आदमी घर में तो ठीक नहीं रहता, घर गिर जाता है उससे, हर चीज़ ऑब्जर्व करता रहेगा तो कैसे घर परिवार चलेगा, उस तरह का रिसर्चर था। और इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि प्लेटो की नजर थी वहां, अरस्तु की नजर है यहां इस दुनिया में, इसलिए अरस्तु को पहला साइंटिस्ट माना जाता है। प्लेटो को साइंटिस्ट कोई नहीं मानता, प्लेटो को लोग फिलोसफर मानते हैं, साइंटिस्ट कोई नहीं मानता है। इसलिए अब फिजिक्स पढ़ेंगे, शायद केमिस्ट्री या बायोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें अरस्तु का जिक्र आएगा, शुरुआती लोगों में प्लेटो का आमतौर पर नहीं आता है, क्योंकि प्लेटो